नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको FII, DII और इसके अलावा और कौन कौन से निवेशक होते हैं जो भारतीय शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें भारत के अंदर जो म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, जैसे LIC हो गया या ICICI म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें जो है वह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंतर्गत जो है वह आती है। भारत के जो शेयर मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनकी भूमिका जो है प्रमुख रहती है। अगर भारतीय में जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वे सभी जो है DII के अंतर्गत ही निवेश करते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है वह आता है FII। FII मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो दूसरे देशों हो गया, विदेशों की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, हेज फंड कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, ये जो है ये भारतीय शेयर मार्केट में निवेश करती है, इन सबको FII कहते हैं। रोज शाम को जब शेयर मार्केट बंद होता है उसके बाद जो है NSE की साइट पर जो है FII ने कितने करोड़ की खरीदारी या कितने करोड़ की बिकवाली की, इन सारे का आंकड़ा जो है वह प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा आता है वह आता है रिटेल इन्वेस्टर। इसमें जो है दो तरह के आते हैं, एक होता है डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं NRI। जो भारत के जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब जो छोटा अमाउंट जो है वह निवेश करते हैं, ये सारी चीजें जो है डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो भारतीय मूल के जो लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं उन्हें NRI कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक कैटेगरी और होती है जिसे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया। इसमें जो है SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, इस तरह के जो निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो जो है भारतीय शेयर मार्केट में निवेश करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।